चुनाव शुरू होने में अब कुछ ही समय बचा है। 9 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने आखिरी दांव खेल रही हैं। इसी क्रम में आज जहां प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग से 14 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया और कई लोग लुभावने वादे करते हुए युवा, किसान और महिला वोटरों को साधने की कोशिश की। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने जनता को 25 गारंटियां दी हैं। आइए जानते हैं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ कहा है। इस मैनिफेस्टो में सबसे अहम वादा नारी न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1,00,000 रुपए की मदद देने का वादा है। बता दें कि कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का भी वादा किया है। इसके अलावा पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है, उनमें 30,00,000 सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1,00,000 रुपए देने का वादा शामिल है। इतना ही नहीं, पार्टी ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी भी दी है। उसने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी, आयोग के गठन और GST मुक्त खेती का वादा किया है। शुक्रवार को पार्टी द्वारा जारी किए जाने वाले घोषणा पत्र में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को खत्म करने का भी वादा कांग्रेस ने किया है। इसका दायरा कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार की तरफ से बढ़ाया गया था। बाद में 2015 और 2019 में संशोधन के माध्यम से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा मजबूत किया गया था। फिलहाल कांग्रेस के इन वादों का जनता पर क्या असर पड़ेगा, ये तो चुनाव परिणाम ही तय कर पाएंगे।